इस बीच हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस में जलेसर रोड पर लूट की सूचना पर चेकिंग कर रहे दरोगा और एक पुलिसकर्मी को रौंदने का मामला सामने आया। इसमें दारोगा और पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं गाड़ी के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल चेकिंग के दौरान गाड़ी को रुकने का इशारा करने पर आरोपी ने पुलिसकर्मियों को रौंदते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पास के खेत में जाकर फंस गई। मौका पाकर गाड़ी सवार आरोपी भाग निकले, लेकिन गाड़ी ड्राइवर को पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। घटना के बाद एसपी ने बताया कि कार में 4 से 5 लोग सवार थे। वहीं आरोपी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। थाना जंक्शन क्षेत्र में एक बाइक द्वारा एक कंप्लेंट किया गया कि पीछे से एक फोर व्हीलर आ रहा है, जिसने तबकंदीजी भी किया है और उससे लूटपाट किया। तो इस पर पीआरवी वहाँ थी, उसने उस गाड़ी का पीछा किया तो और आगे भी सूचना दी गई, तो 24 केसों के ऊपर बैरियर लगा के उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो उस गाड़ी ने बैरियर से गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कि हमारे चौकी चार्ज और कस्टमर को भी चोट मिली। इन गाड़ी रोक लिया गया, ड्राइवर को पकड़ लिया गया और इनको चोट लगे, इसका उपचार कराया जा रहा है। इस संबंध में गाड़ी के 4-5 लोग और बैठे थे, जानकारी में मिली है कि हसाइन क्षेत्र का है और शराबी आवारा टाइप का है, उसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य आवश्यक बनाया। कितने लोग सर गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तार अभी एक हुआ है, अन्य को भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। तो हाथरस में आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को गाड़ी से रौंदा, 2 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि इसमें घायल हुए। जलेसर रोड पर लूट की गई सूचना पर चेकिंग कर रहे दरोगा और एक पुलिसकर्मी को रौंदने का मामला सामने आया। इसमें दरोगा और पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि गाड़ी के पास कि खेत में जाकर फंस गई, जैसे ये भाग रहे थे लोग, मौका पाकर गाड़ी सवार आरोपी भाग निकले, लेकिन गाड़ी ड्राइवर को पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। घटना के बाद एसपी ने बताया कि कार में 4 से 5 लोग सवार थे। वहीं आरोपी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी, हालांकि गाड़ी के ड्राइवर को तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी जो लोग सवार थे वो फरार हैं। दरोगा और पुलिसकर्मी घायल हो गए, चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों को गाड़ी से रौंदा गया। लूट की सूचना पर पुलिसकर्मी, एक बार फिर बता दें, हाथरस में जलेसर रोड पर लूट की सूचना पर चेकिंग कर रहे दरोगा और एक पुलिसकर्मी। विकास कुमार वैद्य एसपी हैं हमारे साथ हाथरस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी आरोपी ड्राइवर को आप लोगों ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी कुछ लोग फरार हैं, उनके बारे में कोई सुराग मिल पाया? नहीं, नाम उसका है, उसका नाम बताया है, उसको अभी पकड़ा जाएगा, दबिश देकर पकड़ा जाएगा जी। उन्होंने बदमाशी किया है, धृष्टता किया है, उसकी समुचित धारा में कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर, इन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाई, ये लोग कहाँ के रहने वाले, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है? ये बगल में हसायन क्षेत्र है, थाना क्षेत्र है, वहीं के रहने वाले हैं जी। और ये जो है शराबी आवारा किस्म के हैं जी। तो इनको इस तरह की घटनाएं, किसी को बदतमीजी मारपीट कर लेना, तो इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं जी। विकास जी, क्योंकि आपके जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, वो घायल हो गए, उनकी हालत अभी कैसी है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हल्की छोटे थी जी। तो उसका समुचित ट्रीटमेंट करा दिया गया है और बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास कुमार वैद्य एसपी हाथरस हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जानकारी की जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। शराबी किस्म के लोग थे जो इस तरह की वारदात को अंजाम देकर भागे थे।